सिनेमा दीवाने के यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। कुछ चीजें भी बहुत ज्यादा अजीब होती है ना दोस्तों, जैसे कि सेक्स और सेक्स एजुकेशन, जिसके बारे में गोरे लोग तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मगर हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह और ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी है जहाँ पे ऐसे वर्ड को अगर किसी ने गलती से भी मुंह से बोला ना, तो ऐसा सब लोग हाय 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 शेम 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 इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे, मगर ठीक से कोई सेक्स एजुकेशन के बारे में आपको गाइडलाइंस नहीं देंगे। उसी की वजह से बहुत सारे क्राइम होते हैं, बहुत सारा ओवर पॉपुलेशन होता है, जिसकी वजह से जॉब मैरिज सब जगह पे दिक्कतें होती है। और इसी सेक्स एजुकेशन के कॉन्सेप्ट पे बहुत ही अच्छी तरीके से एक मूवी आने वाली है 11 अगस्त को। उस मूवी का नाम है ओ माई गॉड पार्ट 2 और इस मूवी के स्टार कास्ट में है अक्षय कुमार, यम्मी यम्मी गौतम और पंकज त्रिपाठी। बहुत ही अच्छी और शानदार स्टार कास्ट है, मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है कि जब इस मूवी को सेंसर बोर्ड अपने पास बुलाता है और कहता है कि हम इसको चेक करेंगे, उसके बाद वेरीफाई करके आपको बताएंगे। तो सेंसर बोर्ड ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि 2 घंटे और 36 मिनट की मूवी है और इसके अंदर 20 से 25 कट होने वाले हैं। बहुत सारी जगह पे आपको डायलॉग और सीन्स को चेंज करना होगा। गौर फरमाइएगा दोस्तों, इस मूवी के अंदर अक्षय कुमार एज अ शिवजी हमें देखने को मिलने वाले थे, मगर सेंसर बोर्ड ने कह दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको शिवजी का कोई अनुयायी या कोई दूत, उसका अनुयायी बन के इस मूवी के अंदर आपको दिखना होगा, तो ही ये मूवी पास होगी। तो वो भी बहुत ही बड़ा चेंज इस मूवी के अंदर होने वाला है दोस्तों। और साथ में 40 सेकंड का मूवी के शुरुआत में जो वॉइस वाला डिस्क्लेमर आएगा ना, कि आपको बैठने का और देखने का और सुनने का कि क्या क्या इसके अंदर होने वाला है। अभी देखने की बात ये है कि इस मूवी के अंदर जो सेक्स एजुकेशन वाला जो टॉपिक उठाया है उसमें जो कट लगे हैं, उसके बाद शिवजी के अनुयायी के रूप में एज अ अक्षय कुमार को देखने का, तो वो सब मिला के क्या मूवी में वो पुराने वाला दमखम रहेगा कि नहीं रहेगा, वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों। और यहाँ पे अक्षय कुमार ने ट्वीट किया है कि इस मूवी का ट्रेलर आएगा कल यानी कि 2 अगस्त को। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कि सेंसर बोर्ड ने जो किया वो सही किया कि नहीं किया, आप कमेंट में अपने विचार लिख सकते हो। अगर वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा या बुरा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।